कांग्रेस की सबसे बड़ी आस अभी सत्ता के मैदान में पंजाब में लगी हुई है, जहां आम आदमी पार्टी ने भगवंत मान को सीएम कैंडिडेट बता दिया। अकाली दल सुखबीर बादल को अपना चेहरा बताता है, लेकिन पंजाब में घर की लड़ाई ऐसी है कि कांग्रेस को चन्नी और सिद्धू और सुनील जाखड़, ये नाम सामने आ रहे हैं जिनको लेकर अब कयास कई लगाए जा रहे हैं कि आखिरकार कौन होगा सब पर भारी। आम आदमी पार्टी की तरफ से पंजाब के अगले सीएम और आम आदमी पार्टी का सीएम चेहरा औपचारिक रूप से सरदार भगवंत मान को डिक्लेयर करते हुए भगवंत मान को सीएम चेहरा बनाकर अरविंद केजरीवाल ने एक तीर से दो शिकार किए। भगवंत मान को सीएम चेहरा बनाकर 2017 की गलती को दुरुस्त किया और बारात का दूल्हा कौन वाले सुलगते सवाल को कांग्रेस के पाले में फेंक दिया, जहां पहले ही मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनने के लिए घमासान मचा है। कांग्रेस को इस दांव के चक्कर में तीन चेहरों का भांगड़ा करना पड़ता है। हमारी पार्टी के मुखिया सरदार नवजोत सिंह सिद्धू हैं, हमारी सरकार के मुखिया और चेहरा सरदार चरणजीत सिंह चन्नी हैं। दो बेहतरीन अपने अपने क्षेत्रों में निपुण काबिल लायक लोग, और हमने ये कहा है कि संगठन और सरकार दोनों मिलकर ये चुनाव लड़ेंगे। तो जिस कांग्रेस ने पिछला चुनाव अमरिंदर सिंह के नेतृत्व में लड़ा और जीता, वो कांग्रेस इस बार सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ने की बात कहकर घर का झगड़ा छिपाने में लगी है, जबकि पार्टी की तरफ से जारी एक वीडियो पंजाब कांग्रेस में असंतोष और कुटबाजी की बड़ी वजह बन गया है। 36 सेकंड के जिस वीडियो को कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से शेयर किया गया, उसमें बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद ये कहते हुए सुने जा सकते हैं कि असली मुख्यमंत्री वही होगा जिसे अपनी दावेदारी का प्रचार न करना पड़े। असली चीफ मिनिस्टर वो या असली राजा वो जिसको जबरदस्ती कुर्सी पे लेकर आया जाए, उसको स्ट्रगल नहीं करनी पड़े, उसको बताना नहीं पड़े कि मैं चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट हूँ, मैं डिजर्व करता हूँ। यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन इस वीडियो के खत्म होने के बाद जिस तरह से चन्नी की इमेज को चमकाया गया, उसे अनौपचारिक तौर पर कांग्रेस की तरफ से पंजाब के सीएम की उम्मीदवार की घोषणा माना गया, लेकिन इस वीडियो ने पार्टी में सीएम उम्मीदवारी पर मची किचकिच की आग में घी डालने का काम किया और पार्टी नेताओं को सफाई पर सफाई देनी पड़ी। चेहरा है नवजोत सिद्धू जी भी चेहरा है, कैंपेन के चरणजीत सिंह चन्नी जी भी चेहरा है, सुनील जाखड़ जी भी है, हर पंजाबी हम लोगों के लिए चेहरा है, ये कलेक्टिव लीडरशिप है। कांग्रेस जो तीन बड़े राज्यों में ही सत्ता बचा सकी है, उसके लिए पंजाब में सत्ता कायम रखना सबसे बड़ी चुनौती है। दलित चेहरे के तौर पर चन्नी को सीएम बनाकर दांव तो खेल दिया गया, लेकिन अड़े हुए सिद्धू के आगे अब घोषित रूप से चन्नी को चेहरा बनाकर उतारना कांग्रेस के लिए मुश्किल हो रहा है। नवजोत सिंह सिद्धू हो सकता है कि पीछे हट जाए, लेकिन पंजाब के लोगों के लिए पीछे नहीं हटेगा। सत्ता के लिए चेहरों का यही संघर्ष पार्टी के गले में हड्डी बन गया। सुप्रिया भारद्वाज के साथ मंजीत सहगल, चंडीगढ़ आज तक।